15 वर्ष की आयु में हुई थी आप क्षमा पर बलिहार, स्वयं परमात्मा ने सौंपा पूरे यज्ञ का कारोबार, मीठी शिक्षा द्वारा सबको किया आपने खबरदार, कहती यज्ञ रक्षक बनो ये है सद्गुरु का दरबार। ज्ञानी हो या अज्ञानी करती सब पर ही उपकार, रूहानी प्यार लुटाकर दादी बनी सबकी पालनहार, रूहानी प्यार लुटाकर दादी बनी सबकी पालनहार। प्रकाश की मणि एक ऐसा चमकता हीरा थी, अप्रतिम प्यार की ऐसी मूरत जिसके सामने दया और प्रेम जैसे असीमित शब्द भी छोटे पड़ गए हों, मगर जिनकी गूंज अनंत है, अमित अपार है। धरती ही क्या, आकाश की भी थी दादी, जिनका विशाल हृदय संसार के तमाम दीन दुखी, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था। चाहे पर्यावरण संरक्षण हो व महिला सशक्तिकरण, मूल्यों के आधार पर दादी ने चरित्र उत्थान और विश्व कल्याण जैसे कार्यों का बेड़ा उठाया। वाकई दादी सुख शांति प्रेम पवित्रता की खान तो थी ही, गुणों शक्तियों का सागर होकर भी सेवाधारी निष्काम थी। सदैव चातक समान ज्ञान बूंद की अनुरागी, करुणाशील क्षमापूर्ण निश्चयवान भी थी। थोड़ी देर कोई समक्ष बैठे तो उसे लगता जैसे वो साहिल बन दादी के प्यार की गहराइयों में उतरता चला जा रहा हो, मगर लौ का भी इतना बैलेंस कि सम्मुख आते ही सच उजागर हो जाए। न कोई गीत ऐसा बनेगा जिसमें आपकी मधुरता समाए, न कोई ग्रंथ ऐसा रचेगा जिसमें आपकी महानता बयां की जाए। जैसे कोई सहस्त्र ढाल प्रखर, ऐसी आपकी परिभाषा है, आप जैसा हम भी बन जाए हम सबकी दिली आशा है, आप जैसा हम भी बन जाए दादी हम सबकी यही दिली आशा है।